पूरे गुजरात में पहले लोट में 10,000 गांवों से 8,200 गांव में भाजप के सरपंच चुने थे। अभी सौराष्ट्र और गुजरात में फिर से 80% से ज़्यादा गांवों में ग्राम पंचायत में भाजपा के सरपंच आए हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत के सभी लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं। इस बार सौराष्ट्र में 423 में से 322 गांवों में भाजपा के सरपंच चुन के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के नेतृत्व में काम करती सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, खेडूतों के लिए, महिला के लिए, आदिवासी और दलित के लिए काम करती सरकार है। सच्चे अर्थ में संवेदनशील सरकार है, निर्णायक सरकार है, प्रगतिशील सरकार है और लोगों की ओर से फिर से भाजपा को, कमल को गांवों में भी पूरी तरह से 80% से ज़्यादा हमारे सरपंच चुन के आए, इसलिए उसका हम आभार प्रदर्शित करते हैं। और पूरी तरह गुजरात में से कांग्रेस जा रही है, पूरे पोरबंदर के पास अर्जुन भाई मोढवाड़ा के गांव मोढवाड़ा में भी हमारे सरपंच चुन के आया है। तालुका कांग्रेस प्रमुख भावनगर कंटारिया जी खुद चुनाव हार गए हैं और पूरी तरह सौराष्ट्र में बड़ा गांव है भेसाण, वहां से हमारा भूपत भाई भाजपा का लीडर 1200 से ज़्यादा मतों से चुन के आया। ये पूरी तरह से सौराष्ट्र में कांग्रेस के या उसके बड़े लीडर के कुछ न कुछ नज़दीकी लोग भी चुनकर चुनाव में हार कर प्रजा के बीच नहीं रहे, ऐसा गांवों की जनता ने आज कांग्रेस को भुला दिया है ऐसा लगता है। पूरी तरह से कमल के साथ फिर से गांवों की जनता भी खड़ी है। मैं मानता हूँ कि अभी शहरी चोट मर्यादा के नीचे पूरे गुजरात में लोगों के लिए उसका मकान रेगुलर करने की योजना भी रूपाणी साहब की भाजपा ने सरकार ने की और अभी विधानसभा में विधेयक लाके पूरी तरह से गुजरात में जो गरीब वर्ग है, मध्य वर्ग के लोग है, उसके जो मकान है सूचित सोसाइटी में रेगुलर करने का विधेयक भी पहली बार भाजपा की सरकार, माननीय रूपाणी साहब की सरकार, माननीय नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई और महसूल मंत्री भूपेंद्र सिंह सब ने मिलकर लाया है। वो उसमें सुझाव है कि रेगुलर करने का है तो किसी का मकान पड़ने वाला नहीं है, तो ये कांग्रेस की ये बेबुनियाद रैली है मैं मानता हूँ। और पूरी तरह से अब समझ गए लोग कि भाजपा ने किया है, विजयभाई रूपाणी साहब सरकार ने ये रेगुलर करने की बात की है, लेकिन इस एक मकान पड़ने नहीं वाला इसलिए देखाव करने के लिए रैली की है।